So hello guys and welcome back to my channel. I'm Surmi, Indian girl in Europe. और मैं यूरोप और जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ, लाइफस्टाइल अपनी आपको दिखाती हूँ. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो लाइक करना मत भूलना ये वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना. I'm sure आप स्पाउस वीजा इन जर्मनी देख के ही यहाँ पर आए होंगे. अगर आप हाँ उसे देख के आए हो तो यू आर इन द राइट प्लेस, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ब्रिंगिंग योर फैमिली टू जर्मनी व्हेन यू आर इज यस और नो. क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, बट नो गाइज, इट इज बेस्ड ऑन जो एम्बेसी पे लिखा हुआ है, जो ब्लॉग्स में है और जो वैलिड इंफॉर्मेशन सोर्स का है वहीं से मैंने आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी है. इट्स नॉट कि ये जो कहानी है वो मैंने बनाई है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस वीडियो. बट इस वीडियो में मैं मेनली फोकस करूंगी स्पाउस के लिए. शायद आपको पता होगा कि आप फैमिली में से चिल्ड्रन, माइनर चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड स्पाउस को बुला सकते हो, बट मैं अभी के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो रिक्वेस्ट है वो स्पाउस से रिलेटेड है, तो अभी के लिए मैं उस पर फोकस करूंगी. अगर कमेंट सेक्शन में आई विल गेट बहुत सारे कमेंट्स अबाउट कि आपको चिल्ड्रंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, तो आई विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो इन माई नेक्स्ट कमिंग वीडियोज. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सब्सक्राइब करना मत भूलना भी. ओके, सो तो जो वीजा होता है उसका नाम क्या होता है, सबसे पहली बात ये होती है. तो वीजा का जो नाम है वो है फैमिली रीयूनियन वीजा फॉर स्पाउस. उसमें जब तक के लिए आपका जो स्पाउस है वो यहाँ पर जर्मनी में स्टडीज कर रहे हैं, तब तक के लिए आप वो जो वीजा है वो अप्लाई कर सकते हो, या वहाँ उस टाइम तक के लिए. तो जो आपका स्पाउस है, इफ ही और शी इज स्टडिंग इन जर्मनी, द टाइम जब तक का उनका स्टे है यहाँ पर, आप यहाँ पर रह सकते हो. बट उसकी लिस्ट ऑफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, लाइक देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट, उसको फुलफिल करना होगा, देन यू कैन ईजली गेट द वीजा. वी हैव सम एग्जाम्पल ऑल्सो विच वी विल मे बी डिस्कस इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, बट हेयर आई विल मेनली फोकस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और आप लोगों को क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तो पहला क्वेश्चन, क्या हम बुला सकते हैं? यस, यू कैन कॉल योर फैमिली मेम्बर्स स्पेशली स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन टू जर्मनी व्हाइल यू आर स्टडिंग इफ यू आर नॉन ईयू सिटीजन्स. तो हम लोग इंडियंस जो है वो नॉन ईयू सिटीजन्स हैं, तो हम लोग बुला सकते हैं. तो व्हाट इज जर्मनी वीजा फॉर फैमिली रियूनियनिफिकेशन, ये क्या होता है? तो ये होता है फॉर नॉन ईयू सिटीजन लाइक अस रेसिडेंट परमिट, जिसे जर्मनी में बोलते हैं ऑफेंट एयरलॉगनेस वीजा होता है, जिससे आप यहाँ पर रह सकते हो, स्टे कर सकते हो. तो स्पाउस को तो ऑफकोर्स फैमिली रीयूनियन वीजा जो है वो मिलता ही है, उसके अलावा माइनर चिल्ड्रंस को भी मिलता है एंड पेरेंट्स को भी मिलता है. तो हम लोग फोकस करेंगे स्पाउस के ऊपर अभी. तो कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, लाइक आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से ही प्रिपेयर करने चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि आप इन सारे जो क्राइटेरिया हैं उसमें एलिजिबल हो या नहीं, और उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको वीज़ा जो है वो अभी अप्लाई करना है या नहीं. तो मैं वो सारी चीज़ें बता देती हूँ. तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है फाइनेंशियल फंड्स. या तो जो फाइनेंशियल फंड्स होते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ फैमिली रीयूनियन वीजा जब आप अपने स्पाउस को बुला रहे हो व्हाइल यू आर स्टडिंग. बिकॉज यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि आप फाइनेंशियली किसी भी तरीके से उन पे जो है वो डिपेंड करो. तो आपका जो फंड होता है वो पहले से ही ब्लॉक किया जाता है जब तक कभी आपका स्टे है यहाँ पर उस टाइम तक के लिए. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पर मंथ का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर वन पर्सन है इज अराउंड 823 टाइप्स ऑफ यूरो. तो उतना जो है वो पर पर्सन पर मंथ जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, और जितना भी टाइम का आपका स्टे है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, वो अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा. द सेकेंड थिंग इज अबाउट आप जहाँ पर रह रहे हो उस पर प्रॉपर स्पेस है या नहीं. पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस करी है, यहाँ पर पर पर्सन जो है वो स्पेस जो है वो होना चाहिए
टू कॉल योर फैमिली मेम्बर या किसी को भी बुलाने के लिए. तो यहाँ पर जितना मैंने पढ़ा है इज अराउंड 16 क्वाड्रेंट मीटर. तो अगर आप अपने स्पाउस को बुला रहे हो तो उस हिसाब से आपको स्पेस होना चाहिए टू रजिस्टर. अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए भी आपको जो स्पेस है वो दिखाना पड़ेगा. तो दिस इज द सेकेंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. द थर्ड इज मैरिज रिक्वायरमेंट. तो आपकी शादी हो गई हो, हाँ पहले से ही शादी हो गई हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर फोटोग्राफ्स, प्रॉपर सारी चीजें जो भी मैरिज के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो भी जरूरत पड़ती है. देन द एज रिक्वायरमेंट. तो एज रिक्वायरमेंट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और कुछ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स और उन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, जो मैं डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको एंड ऑफ द वीडियोस में बताऊंगी. बट हाँ, एज रिक्वायरमेंट का मेनली फंडा ये होता है कि आपका जो स्पाउस है और आप हो वो 18 ईयर से ज्यादा के हो, 18 ईयर से कम के ऑब्वियसली अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत है. देन दिस इज द वेरी लाइक कॉमन क्वेश्चन जो सब लोग बोलते हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. यस, लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू कॉल योर स्पाउस. तो जो स्पाउस है उसे A1 लेवल की सर्टिफिकेट, A1 लेवल ऑफ लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, A1 लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट एज पर CEFR. तो A1 लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना इम्पॉर्टेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट है, दैट इज द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर दिस वीजा. सो हाउ कैन यू अप्लाई दिस वीजा इज अगेन, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एम्बेसी साइट पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी. उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. अपॉइंटमेंट जो भी डेट मिलेगी आपको, उससे पहले आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स. फॉर्मेट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स के होंगे वो प्रॉपर होने चाहिए, है ना, और टाइम पे पहुंच जाना चाहिए. इवन टाइम से पहले ही पहुंचो तो ज़्यादा बेटर है, एंड अपॉइंटमेंट मिलने में भी टाइम लगता है. तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा. एंड अगेन, आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर मैरिज, रिलेटेड टू पर्पस, किस पर्पस से आप वहाँ पर जा रहे हो, रिलेटेड टू आपके हस्बैंड कहाँ पर पढ़ रहे हैं, कौन सी सिटी में पढ़ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. चलो, आई विल कॉल आउट द डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है. तो वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए, एक तो टू लॉन्ग टर्म जर्मन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको साइट पे तो मिल ही जाएगा, तो आपको वो उसका भी लिंक मैं दे दूँगी, उसका कॉपी. टू साइन सिक्योरिटी क्वेश्चन, टू साइन एप्लीकेंट डिक्लेरेशन, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा आपको. तो वैलिड पासपोर्ट आपको अपना चाहिए होगा, और आप अपने स्पाउस के पास जा रहे हो तो उसका भी पासपोर्ट की कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस 2 से 4 फोटोग्राफ उसके और आपके दोनों के. 2 कॉपीज आपके पासपोर्ट की, वैलिड पासपोर्ट की पीछे आगे सारे पेजेस, प्लस आपके हस्बैंड के पासपोर्ट की 2 कॉपीज, वो भी 2-2 कॉपीज. तो लाइक 2 कॉपीज में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे. और कभी कभी किसी केसेस में पर्सनल कवर लेटर भी चाहिए होता है, लाइक आपका पर्पस क्या है, क्यों जा रहे हो, कुछ एडिशनल, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी है, तो वो भी किसी किसी केसेस में ज़रूरत पड़ती है. ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कम से कम इट मस्ट कवर द पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ स्टे इन जर्मनी. एटलीस्ट 90 डेज ऑफ स्टे इन जर्मनी के लिए वहाँ पर होना चाहिए. ओके, एंड देन आपके पास जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो उसके बाद आपके पास अपॉइंटमेंट डेट एंड शेड्यूल सब कुछ मेल पे आएगा, तो उसकी कॉपी भी आपको ले जाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विद द प्रॉपर कोड एंड डेट एंड एवरीथिंग. तो दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड द फीस, तो डिमांड ड्राफ्ट, और कुछ कुछ केसेस में कहीं कहीं पर लाइक बैंगलोर में डिमांड ड्राफ्ट ही लेते हैं, कैश नहीं लेते हैं, पर कहीं कहीं दे टेक द कैश ऑल्सो. सो द मनीज मनी जो भी फीस है वो. अब कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि स्पाउस के लिए ज़रूरत होती है, वो भी मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए. प्रूफ ऑफ योर मैरिज, ठीक है, जो भी मैरिज है वो आपकी प्रूफ, लाइक तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ योर पार्टनर विथ यू, लाइक उसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी. और अगर आपका सेम सेक्स रजिस्टर पार्टनर है तो पार्टनरशिप रजिस्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये
एकेडमिक डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पार्टनर की, तो अगर उन्होंने बैचलर मास्टर्स और जो भी डिग्रीज करी हुई है उसकी सारी कॉपीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड अगर वो ओरिजिनल हो तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है. देन कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपके चाहिए होते हैं. देन प्रूफ ऑफ जर्मन प्रोफिशिएंसी A1 लेवल की, गोथे सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो टेल्क डॉयच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कुछ रिकग्नाइज जर्मन लैंग्वेज स्कूल्स हैं उससे आपको सर्टिफिकेट होना इम्पॉर्टेंट है. देन प्रूफ ऑफ योर पार्टनर रेसिडेंस इन द होम कंट्री, एनी ऑफ द फॉलोइंग लाइक नेशनल वैलिड नेशनल आईडी कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड. मैरिज फोटोग्राफ्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए, मैरिज फोटोग्राफ, ओल्ड फोटोग्राफ्स या जो रिलेटिव्स आपकी शादी में आए हैं उनके फोटोग्राफ्स, वो भी होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पाउस के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं. चाइल्ड, अगर आपको चिल्ड्रन को भी लेके जाना है तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है. बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं अभी यही चीज़ पे फोकस कर रही हूँ. और कभी कभी क्या होता है गाइस, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो उसके बाद आपको 3 मंथ्स का वेट करना होता है. किसी किसी केसेस में क्या होता है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू वेट, एंड समटाइम्स योर डॉक्यूमेंट्स शुड वेरीफाइड, लाइक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होते हैं, आपकी मैरिज जो है वो वेरीफाई होती है, तो इट टेक टाइम्स, तो यू हैव टू बी लाइक आपको उतना टाइम जो है गैप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में दिस इज द थिंग कि आपकी जो मैरिज है वो चेक की जाएगी प्रॉपर, आपको पास लॉयर आया जाएगा एंड वो सब कुछ चेक करेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर. तो वीज़ा आने में 6 to 8 weeks लग जाता है. अगर आपका उनको डाउट है और आपका फिर से वेरिफिकेशन होगा तो इट विल टेक मोर टाइम, डिपेंड ऑन कि आपका क्या वेरिफिकेशन होना है, बट एज पर देम 6 to 8 weeks में दे विल टेल यू अबाउट योर वीज़ा, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है या नहीं. लाइक आई गॉट द मेल दैट फॉर योर वीज़ा डिसीजन हैज़ बीन टेकन और इस डेट को आप आ सकते हो, और मुझे कॉल आ गया था. एंड तो जो वीज़ा है उसको 6 to 8 weeks, लाइक 3 मंथ्स, अराउंड 3 मंथ्स तक आप कोई इन्फॉर्मेशन उनसे नहीं ले सकते अबाउट वीज़ा के लिए, तो इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा इफ़ आपका जो मैरिज है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन, फर्दर वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो और टाइम लगेगा. आपका जो वीज़ा जब आपको मिल जाएगा तो वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, तो 3 मंथ्स में आपको यहाँ पर आकर जर्मनी में आके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है. जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे मोस्टली वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ वीज़ा में आपने सबमिट करे होते हैं, बट कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक यहाँ पर जो भी जगह आप रह रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ते हैं, बट अदर देन दैट इट्स सेम. तो उसको आपको यहाँ पर आके लाइक 3 मंथ्स तक वो वैलिड है, उसके बाद यहाँ पर आके आपको रेसिडेंट परमिट लेना पड़ेगा फॉर फर्दर स्टे इन जर्मनी. इसकी फीस अराउंड 75 यूरो होती है, लगभग 7 to 8 हज़ार रुपये के करीब है. और या दिस इज़ अबाउट द स्पाउस वीज़ा इफ़ यू आर अ स्टूडेंट इन जर्मनी. एंड या आई होप ये वीडियो जो है वो आपको हेल्प किया हो, और अगर हाँ तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर चिल्ड्रन के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है सारी जो चीज़ें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. बाय बाय गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू press the notification bell for further all the updates about me, my life and about Germany and Europe. Bye, take care.